मध्य प्रदेश के ऊपर 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपए का कर्ज है। ये बात हम नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जो सरकार से उनकी उपलब्धि क्या है ये पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि आर्थिक स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करे, ताकि जनता को भी हकीकत का पता चले। वही माफियाओं के विरुद्ध हो रही कार्रवाई को कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो और जीतू पटवारी ने गुमराह करने की राजनीति करार दी। मीडिया से बातचीत में तीनों नेताओं ने राजधानी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कहा कि शिवराज सरकार के राज में प्रदेश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सरकार आय का बड़ा हिस्सा कर्ज और ब्याज की अदायगी में खर्च कर रही है। ये बोझ और बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर माह कर्ज लिया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई को दिखावा करार देते हुए कहा कि रेत और शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और बच्चियों का अपहरण हो रहा है। बेरोजगारी चरम पर है और आपको लगता है कि ऐसी कार्यवाही हो रही है? मुख्यमंत्री हो तुम, जनता पूछ रही है कितने जांच आयोग बनाए, कितने जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी। आज तक एक भी आयोग की जांच रिपोर्ट पटल पे नहीं रखी गई। 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है हर व्यक्ति पर, आप पर, आपके बेटे पर, आपकी माँ पर, आपके पिता पर, हमारे माता पिता पर, जो पैदा होगा आज उस पर, जो मरेगा आज उस पर 50,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। और मेरी सरकार कर्ज लेने में गर्व महसूस करती है। मेरी सरकार, शिवराज जी ने सदन में कहा कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, हमें गर्व है कि हम कर्ज लेते हैं। इनको गर्व है कि कर्ज लेकर नया हवाई जहाज खरीदते हैं 100 करोड़ का। इनको गर्व है कि कर्ज लेकर 240 करोड़ की नई गाड़ियों का बेड़ा बनाते हैं। इनको गर्व है कि सात सज्जा पर 300 करोड़ रुपए कर्ज लेकर खर्च करते हैं मकान दुकान और ऑफिस की। इनको गर्व है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की नदी बहा दे और कर्ज लेकर जनता पर बोझ डाल दे। कल उनका बेटे का, हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का क्या होगा, ये मतलब नहीं है। आज घी पियेंगे उधार लेकर, इसका प्रमाण है शिवराज सिंह चौहान। 2 साल मध्य प्रदेश के बदहाल कलंक कथाओं से भरमार अद्भुत है। धन्यवाद। और एक प्रश्न आज की उपलब्धि, बाकी मध्य प्रदेश तो दयनीय हालत में है। आप देखो, लंबी बातें हैं, वो चाहे राशन कार्ड और बीपीएल परिवार की बात हो, आर्थिक सर्वेक्षणों की रिपोर्ट की बात हो, या अन्य कई ऐसी जो मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वे के आधार पर आती है उनकी बात हो, क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर शिवराज सिंह चौहान श्वेत पत्र जारी करेंगे? ये मध्य प्रदेश की जनता मांग करती है, कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग उनके साथ खड़ी होती है। क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर शिवराज सिंह कोई श्वेत पत्र जारी करेंगे? 2 साल बेमिसाल कि 2 साल बदहाल, ये पता चलेगा। नशीली शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ जी को 15 महीने में कहा कि क्या शराबी प्रदेश बनाने के लिए, मदिरा का युक्त प्रदेश बनाने के लिए कमलनाथ आए हैं? उनका वीडियो चल रहा था। नई शराब नीति आई, आपने 3,500 दुकानों की 7,000 दुकानें कर दी। फ्री में पियो इसकी व्यवस्था कर दी, घर में ज्यादा रखो इसकी व्यवस्था कर दी, परिवहन सरल करेंगे इसकी व्यवस्था कर दी। और फिर ये सब बातें सुनकर पूर्व मुख्यमंत्री ने और पत्थर मारा। उस पत्थर का जवाब कौन देगा शिवराज सिंह जी? उस पत्थर का जवाब कौन देगा? ये मध्य प्रदेश के बच्चे जो बेरोजगार हैं, इनको नशेड़ी क्यों बनाना चाहते हो? ये उपलब्धि है आपकी 2 साल की, इसका उत्तर चाहिए। ये बातें नहीं करेंगे, न ये नरोत्तम मिश्रा करेंगे, न ये वीडी शर्मा करेंगे, न ये शिवराज सिंह चौहान करेंगे। पत्थर क्यों मारा, इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता तो दे दे। अगर आप बहादुर हो, क्यों पूछ अंदर करके घुस गए, बताओ उत्तर दो इसका कि उमा भारती ने पत्थर क्यों मारा? ये शिवराज सिंह की नीतियों पर मारा, 2 साल बेमिसाल पे मारा। उमा भारती ने पत्थर शिवराज सिंह के मूल चरित्र पे मारा। ये 2 साल बेमिसाल का मूल भाव है। साथियों, बातें बहुत है पर इतना जरूर है, जैसा हमने कहा कि शिवराज जी श्वेत पत्र जारी करें आर्थिक नीतियों पर। 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है हर व्यक्ति पर, आप पर, आपके बेटे पर, आपकी माँ पर, आपके पिता पर, हमारे माता पिता पर, जो पैदा होगा आज उस पर, जो मरेगा आज उस पर 50,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। और मेरी सरकार
कर्ज लेने में गर्व महसूस करती है। मेरी सरकार शिवराज जी ने सदन में कहा कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, हमें गर्व है कि हम कर्ज लेते हैं। इनको गर्व है कि कर्ज लेकर नया हवाई जहाज खरीदते हैं 100 करोड़ का। इनको गर्व है कि कर्ज लेकर 240 करोड़ की नई गाड़ियों का बेड़ा बनाते हैं। इनको गर्व है कि साज सज्जा पर 300। लंबी बात आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने और आदरणीय हमारी दीदी ने विजय लक्ष्मी साधो जी ने गंभीरता से मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति आपके सामने रखी है। मैं कविता के माध्यम से आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट में फ्री करूंगा। यह सरकार नहीं हाहाकार है, 2 साल की यह सरकार नहीं हाहाकार है। लोकतंत्र पर किए उन्होंने गहरा वार है, भ्रष्टाचार से इनको गहरा सरोकार है, महंगाई की जनता पर भारी मार है, माता और बहनों पर किया इन्होंने जबरदस्त वार है, अत्याचार है, हर तरफ बिजली के बिलों का भीषण चित्कार है, प्रदेश की जनता पर असहनीय कर्जे का भार है। यह सरकार नहीं आहाकार है। आप देखो कि बुलडोजर मामा से संज्ञान में लाकर उनको विभूषित किया जा रहा है। बुलडोजर मामा सरकार पर बुलडोजर चलेगा 2023 में और जनता चलाएगी, और इसलिए चलाएगी कि 2 साल में आपकी उपलब्धियों में शिवराज जी जैसे सज्जन वर्मा जी ने कहा सरकार को बचाना सबसे बड़ी उपलब्धि और शिवराज मुख्यमंत्री बने रहना यह उससे बड़ी उपलब्धि। इसके साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार ने सिर्फ तांडव किया और मध्य प्रदेश की आम जनता को छला। आप देखो कि बुलडोजर मामा ने अपनी बातें तो कही पर बुलडोजर चलाते किससे सीखे, 15 साल बुलडोजर याद नहीं आया, 15 महीने कमलनाथ रहे उनसे ही बुलडोजर चलाते सीखे। नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। किस पे चलाया बुलडोजर? छोटे 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 माफियाओं पर। सरकारी माफियाओं का क्या होगा? जो सरकार माफिया चलाती है, जो सरकार द्वारा माफिया संचालित होता है उसका क्या होगा? मुख्यमंत्री का दायित्व है कि उस पर बुलडोजर चलाए। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश नंबर 1, नरेंद्र मोदी ने कहा, एनसीआरबी के आंकड़ों ने कहा, सारी जो रिपोर्ट आपको सूचकांक देती है उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में मेरा प्रदेश नंबर 1 है। उस पर बुलडोजर कौन चलाएगा? शुद्धि के लिए युद्ध कमलनाथ जी ने किया था, बंद कर दिया। क्या आप लोगों को शुद्ध खाना नहीं चाहिए? महंगा खाना है फिर भी अशुद्ध है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मेट्रो में 2000 करोड़ सवार हुई सरकार है, पूरी को सब बनवा देगा, को सब बना देगा, युद्ध रहा ले लेना, ये पता नहीं, ये शेर तो देख लेना, लोग यदा यदा ही मोदिश्य मंदी भवति भारत अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य बेरोजगारी युगे युगे। सचिन भाई मंत्री यादव ने कहा, उनके मंत्री यादव ने कहा किसानों के हालात नहीं है, मर जाएंगे, पैसा नहीं है उनके पास। ये प्रमाण है इस बात का कि किसानों की बदहाली आपने कैसी की है, आपका मंत्री बताता है। मैं मानता हूं ये सब बातें सर्वविदित है। महंगी बिजली 12,730 करोड़ रुपए बिना बिजली लिए कंपनियों को दे दिए, ये सरकारी माफिया नहीं है तो क्या है? ये सरकारी माफिया नहीं है तो क्या है? आप बताओ कि जितनी महंगी बिजली आम जनता को मिलती है, बिजली सिंगाजी पावर प्लांट बंद है 2 साल से, क्यों बंद है? क्यों बंद है शिवाजी पावर प्लांट? 400 करोड़ रुपया साल का घाटा, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? शिवराज जी आप ही ने आपके कार्यकाल में एकमात्र सिंगाजी पावर प्लांट बिजली का प्लांट बनाया है और उसको भी बंद रखा है। यह कुप्रबंध शिवराज सिंह चौहान आपका नहीं है तो किसका है बताओ? ये सरकारी माफिया है कि नहीं है? आप ये बताओ कि आपने जिस तरीके की बातें की, महंगी बिजली खरीदेंगे सस्ती बिजली देंगे बेचेंगे, क्यों? इसके पीछे कोई माफिया तंत्र नहीं है? सरकार के नेताओं को पैसा नहीं आता है? ये गबन की प्रक्रिया नहीं है? बातें करते हैं, भाषण देते हैं, हेडलाइन बनाते हैं और खुद चोरी करते हैं, यह है शिवराज सरकार। मैं मानता हूं सरकार की इन बातों को लेकर
बेरोजगारों को रोज भाषण, 40,000 बेरोजगार हर महीने अब हम रोजगार देंगे। आपके जितने इकोनॉमिक्स पोल इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है, पोल और इकोनॉमिक सर्वे ने, ये अलग अलग सर्वे ने रिपोर्ट दी है कि मध्य प्रदेश में आज की डेट में सबसे ज्यादा बेहताशा बेरोजगारी है, और उसके लिए कोई दोषी है तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ही है। ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय, नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय जो भी सूचकांक आते हैं उसके अंतर्गत मेरी बात है, कोई आरोप नहीं। मैं मानता हूं कि भयावह स्थिति है, हम सबको मिलकर इस बात को समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं है, पर सरकार इस पर संजीदा हो। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक आज बैठे हैं, रोज मुंडन करा रहे हैं, कभी बीजेपी के कार्यालय जा रहे हैं, कभी अलग अलग तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार पहले जब कमलनाथ की 15 महीने की थी तो ये यही मंत्री सब जाते थे, गीत गाते थे, भाषण देते थे, हाथ फेरते थे, गले लगाते थे। क्या अब उनके हाथों में कोई स्ट्रेचिंग हो गई है क्या? क्या परेशानी क्या है? अब क्यों नहीं गले लगाते उनको? अब क्यों नहीं सर पर हाथ फेरते? क्यों नहीं उनके अधिकार को देते? हम मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है। राजी ने, आप सब हाउस में थे, इस चीज को एडमिट किया ओंकार मरकाम को कि तुम भी इधर आ जाते हो तो तुम्हें भी जो लेन देन की बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने मुंह से स्पष्ट उसने बोल दिया, आप सबने सुना, हाउस के अंदर नरोत्तम मिश्रा जी ने इस बीच को लेन देन की बात को प्रूव कर दिया कि तुम भी होते, तुम भी आ जाते तो हमारे भी वारे नारे हो जाते। ये कितनी बड़ी बात कि खुद ने एडमिट किया कि सरकार किस आधार पर और किस ग्राउंड पर हमने बनाई, खुद ने एडमिट कर लिया। देखो, दो बातें थी, दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया दीदी ने। एक बात थी कि सरकार बार बार कह रही है कि परिवर्तन हुआ, कांग्रेस में फूट थी इसलिए सरकार गिरी। बार बार ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जनता के डोमेन में रखी है। सदन में जो बातें होती है वो रिकॉर्ड पे आती, सदन में एडमिट करना अपने आप में सबसे ऑथेंटिक बात है। ओंकार मरकाम को उन्होंने कहा, तू ले लेता तो तू भी इधर होता। तू ले लेता का अर्थ क्या? मतलब जो हमने इनको 50-100 करोड़ की राशि दी, तू भी ले लेता, तू भी इधर होता। ये प्रूव हो गया कि सरकार को, जैसा कमलनाथ जी कहते हैं, सौदे की सरकार, बेचने और खरीदने की सरकार, लोकतंत्र की हत्या की सरकार। ये मुद्दा मध्य प्रदेश की पब्लिक के डोमेन में आना चाहिए कि ये लोग बोलते क्या है। बिल्कुल सही, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कमलनाथ जी के ने, बिल्कुल मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी इस पर गंभीर है और कांग्रेस पार्टी इस पूरी शराब नीति का विरोध ब्लॉक स्तर से लेके नए जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर करेगी। फिर से बोलो। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।